अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखाऊंगी। आप किसी भी नाप का चाइनीज़ कॉलर बना सकते हैं। ये चाइनीज़ कॉलर बनाने में भी सिंपल है और पहनने में भी बहुत एलिगेंट लुक देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरलैप नेक का नाप है। इस नेक की विड्थ 6 इंच है और लेंथ इसकी 6.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने जस्ट इस पट्टी की राउंड में मेजरमेंट कर लेनी है, जो कि 41 इंच बन रही है। तो जब आपने पट्टी तैयार करनी है तो आपने 41 इंच में 3 इंच मार्जिन ऐड करके 44 इंच तक पट्टी तैयार कर लेनी है। 3 इंच मार्जिन इसलिए ऐड करना है कि क्योंकि उसमें से 1.5 इंच मार्जिन पट्टी के एंडिंग पॉइंट के लिए यूज़ होगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट में हमने कपड़ा अंदर की तरफ देकर पट्टी की शेप बनानी होती है इस तरीके से। तो जो 1.5 इंच हमने और फालतू लिया है, वो हमने इसलिए लिया कि जब आप पट्टी अटैच करते हैं तो उस दौरान कई बार पट्टी कम पड़ जाती है, इसलिए आपने हमेशा पट्टी तैयार करने के लिए आपने 3 इंच फालतू मार्जिन लाजमी लेना है। और ये जो हमने ओवरलैप पट्टी तैयार करनी है उसकी लेंथ 11 इंच है। तो फ्रेंड्स, बुकरम की चौड़ाई आपने 1 इंच ले लेनी है और लंबाई में आपको मेजर करके बताती हूँ। लंबाई आपने 44 इंच ले लेनी है। इसके बाद पट्टी की फ्रंट साइड पर जो यूज़ होगा उसकी लंबाई आपने 44 इंच ही ले लेनी है। और ये जो फ्रंट साइड पर पट्टी लगेगी, इस पर पाइपिंग भी लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी विड्थ आपने 1.25 इंच ले लेनी है, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम। और ये जो है पट्टी, अब मैं आपको जिसकी लेंथ बता रही हूँ, ये बैक पट्टी की लेंथ है। और बैक पट्टी की विड्थ आपने 2.5 इंच ले लेनी है और पाइपिंग की विड्थ आपने 1.5 इंच ले लेनी है। और लेंथ आपने उतनी रखनी है जितनी बुकरम की लेंथ थी। इसके बाद बैक पट्टी और फ्रंट पट्टी को इस तरीके से आपने रख लेना है। और ये जो बुकरम है उसको आपने फ्रंट वाली पट्टी के लिए जो हमने कपड़ा लिया था उसकी उल्टी साइड पर आपने इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर पेस्ट कर देना। आपने इस्त्री से अच्छे तरीके से बुकरम को प्रेस करना है ताकि आप जब पाइपिंग लगाएं तो आपको मसला ना आए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने पट्टी की सीधी साइड अपनी तरफ रख लेनी है और पाइपिंग को इस तरीके से ऊपर की तरफ रख लेना है और एक पाँव के फासले पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इसके बाद आपने इस तरीके से पट्टी को रख देना है, उल्टी साइड अपनी तरफ रख लेनी है पट्टी की। और ये जो बैक साइड वाली पट्टी थी उसको आपने इस तरीके से नीचे रख लेना। और फिर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई करनी है। आप ये बुकरम देख सकते हैं, ये उठा उठा सा बुकरम है। आपने इसको सीधा करके बिल्कुल इसके साथ ही सिलाई करनी है और फिर सिलाई से हाफ इंच की दूरी पर आपने कटिंग करनी है। इसके बाद आपने इस पट्टी को इस तरीके से सीधा काट देना है और अच्छे तरीके से दूसरी वाली साइड से फोल्ड करना है और पाइपिंग वाली साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करके आपने अच्छे तरीके से इस्त्री करनी है। और आपने कोशिश करना है कि इस्त्री इतनी ज़्यादा ना हो कि आपकी पट्टी जल जाए। इसके बाद आपने पट्टी की जो नीचे वाली साइड होगी इसको आपने पट्टी की ऊपर वाली साइड के ऊपर रखकर इस तरीके से प्रेस करना है। पट्टी को जब आप प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ अंदर की तरफ आ जाएगी और ये एक पॉइंट बढ़ाकर आपने नीचे वाली पट्टी को रखना है ताकि जब आप सिलाई लगाएं ऊपर की तरफ तो वो सिलाई नीचे की तरफ भी आए। इसके बाद जो हमने पहले मेजरमेंट की थी नेक की, जितनी भी चौड़ाई थी वो 6 इंच थी, तो उसका हाफ 3 इंच बनता है। तो 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और फिर हाफ इंच के फासले पर जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा है उतनी आपने लाइन ड्रा कर लेनी है और 6.5 इंच नेक की लंबाई ले लेनी है। इसके बाद आपने इस डायरेक्शन में 11 इंच पर निशान लगा लेना है जितनी आपने पट्टी तैयार करनी है और हाफ इंच पर आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और नीचे से भी आपने इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और आपने बुकरम की
लंबाई चौड़ाई इतनी ले लेनी है, 2 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई ले लेनी है। और इस तरीके से बुकरम को मिड पॉइंट के साथ पेच कर देना। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद आपने ये पेंसिल को ऊपर की तरफ ड्रा कर देना है, और इस तरीके से आपने शेप ड्रा कर लेनी है। और आपने इस तरीके से सिलाई मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेनी है। नीचे की तरफ से आपने त्रिकोण शेप बनानी है और ऊपर की तरफ आपने सिलाई मार्जिन छोड़कर कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। आप अगर एक्स्ट्रा कट करेंगे तो पट्टी लगाते वक्त आपको मसला होगा। इस तरीके से आपने कंधों को जोड़ लेना है, बैक और फ्रंट पैनल को इकट्ठा रखे, और फिर आपने इन पेंसिल के निशान पर हल्का हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम पट्टी अटैच करें तो वो इजीली मुड़ सके, फोल्ड हो सके इजीली। इसके बाद आपने इस तरीके से 1/2 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है, और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है। ये छोटा सा कट लगाने के बाद आपने नेक को ओपन कर लेना है और उसके मिड में पट्टी को रखना है, और फिर थोड़ा सा 1/2 इंच सिलाई करने के बाद उस पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ देना है। जितना हमने सिलाई मार्जिन रखा था उतना ही आपने पट्टी के अंदर दे करके बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, किनारे की सिलाई लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप ये जो ऊपर की तरफ किनारे की सिलाई लगा रहे हैं, ये सिलाई आपकी नीचे की पट्टी के ऊपर भी आ रही हो, उससे हटे नहीं। इसके बाद आपने ये जो दूसरी साइड की जो पट्टी थी उसको भी हल्का सा इंच से कट लगा लेना है 1/2 इंच की दूरी पर। और इस तरीके से जब ये दोनों पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं, इसको आपने इस तरीके से ऊपर नीचे रख कर ये दोनों पट्टियों को आपने अंदर की तरफ दे देना है। इसके बाद आपने इस तरीके से स्टिच कर देना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे आपने सिलाई कर लेना है, तो नीचे से बिल्कुल नीटनेस आएगी, और 11 इंच के फासले पर आपने हल्का सा निशान लगा लेना है, और अच्छी तरीके से ओवरलैप पट्टी की शेप बना लेनी है। और फिर आपने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसको चाइनीज़ कॉलर भी कहा जाता है, और ये कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। ये बैक साइड से आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाइपिंग की सिलाई भी नहीं लगानी पड़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।